सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रेगुलर साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल से सीखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नपुंसकता किस विटामिन के कमी से होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आंसर आ रहा है तो 5 सेकंड मिलेंगे, आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, नपुंसकता विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी जो होता है इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। और देखिए, विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग होता है फ्रेंड्स। और देखिए, विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए और डिटेल में समझिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, बिरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बिरंजक चूड़ का जो रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आंसर आ रहा है तो आंसर बताने का प्रयास जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो सोडियम कार्बोनेट होता है यह धोबन सोडा का रासायनिक नाम होता है, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है यह कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है, कास्टिक सोडा। और देखिए फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो देखिए यह खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो सबको अच्छे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन, देखिए विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। बायोटिन देखिए फ्रेंड्स, विटामिन बी सेवन का होता है, बायोटिन किसका होता है फ्रेंड, विटामिन बी सेवन। और पाइरिडॉक्सिन देखिए फ्रेंड्स, विटामिन बी सिक्स का होता है, पाइरिडॉक्सिन विटामिन बी सिक्स का, तो अच्छे समझ लीजिए फ्रेंड्स, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए, जो इसका सूत्र होता है CH4 होता है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे समझ लीजिएगा CH4। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारी जल का रासायनिक नाम, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन मिलेंगे, इसका सूत्र भी देख लीजिए,
कुछ भी पूछ सकता है, सूत्र भी पूछेगा और रासायनिक नाम है, तो D2O होता है। इसका जो सूत्र होता है D2O और रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र, तो सूत्र बताना है फ्रेंड्स। अभी बताए थे ऊपर, ध्यान से देखे होंगे तो आंसर आपको आ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, मतलब कौन सी विटामिन पाई जाती है फ्रेंड्स, तो कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और देखिए, सूर्य के प्रकाश में भी मिलता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, कौन से विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, विटामिन सी को गर्म करने पे ये नष्ट हो जाती है। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है तो रिकेट्स होता है, जो बच्चों में होता है, तो अच्छे समझ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने दिया था, तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन शब्द फंक एक वैज्ञानिक थे, वो दिए, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और देखिए, जो न्यूटन थे, यह गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम दिए थे न्यूटन। और देखिए, लुई पाश्चर या रेबी, जो हाइड्रोफोबिया होता है रोग, वो उसका जो उसका आविष्कार किए थे। और देखिए, जो मेंडल है, आवा सारणी की खोज किए थे, देखिए इंपॉर्टेंट। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट होता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अच्छे समझिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ऊपर बताए थे, ध्यान से देख रहे हैं तो आंसर जरूर आपको पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिप्सम का जो रासायनिक नाम बताए थे, कैल्शियम सल्फेट बताए थे, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, अच्छे समझ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो कौन से विटामिन सहायक होती है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड्स, रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, विटामिन के, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है फ्रेंड्स, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक मैकुलन, तो
तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, मैकुलन। और देखिए फिर फंक विटामिन शब्द का आविष्कारक थे, प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। और देखिए जो होलकट है विटामिन सी के आविष्कारक हैं। और देखिए विटामिन डी के आविष्कारक हॉपकिंस। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का आविष्कारक कौन है? तो अभी ऊपर बताए थे फ्रेंड्स, तो विटामिन सी के आविष्कारक होलकट हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। तो देखिए हमारे शरीर में डी और के, विटामिन डी और के का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? देखिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए सिरका का जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स एसिटिक एसिड होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए इसका सूत्र देखिए फ्रेंड्स, CH3COOH होता है, CH3COOH। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थ्री रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए अमोनिया क्लोराइड जो होता है नवसादर का रासायनिक नाम होता है, मीथेन जो होता है इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। और देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12, तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, साइनोकोबालमिन। कैल्सिफेराल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, टोकोफेराल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, फिनोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स।